नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर में अराजक तत्वों का कहर जारी, गुंडा तत्व कानून को दे रहे चुनौती। वहीं पीड़ित ने पुलिस से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। सूर्य प्रकाश वर्मा सुत चंद्र प्रकाश वर्मा निवासी मकान नंबर 1461 दरियापुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर दिनांक 30 मार्च 2024 को समय करीब 12 बजे दिन में अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते एक राय होकर अनुराग कसौधन सुत अज्ञात अपने मामा भोला कसौधन कल्लू कसौधन बच्चा कसौधन व शंकर कसौधन सुदगर स्वर्गीय कृष्ण चंद्र कसौधन तथा अपनी पत्नी एवं 3-4 अज्ञात गुंडा तत्वों के साथ जबरन दुकान में घुसकर कहे कि अपनी दुकान का बैनामा हमें कर दो, लेकिन हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दुकान रहेगी, कहकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब वर्करों द्वारा मना किया गया तो उक्त सभी लोगों ने दुकान मालिक व दुकान वर्करों को माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए लात घूंसे व डंडे से मारने लगे और बुरी नीयत से लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए। हल्ला गुहार पर मौजूद तमाम लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर जान बची। दुकान में फर्नीचर की अलमारी व उसमें रखे सामानों को तोड़ डाला, जिससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया और दुकानदार सहित समस्त स्टाफ को पूरे शरीर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। इस बाबत नगर कोतवाल श्रीराम पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर नगर थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। राजदेव यादव की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? सूर्य प्रकाश वर्मा। कैसे घटना हुई आपके साथ? अनुराग का सौदा ना और उनके चारों मामा लोग आकर जो है जबरदस्ती दुकान पर कब्जा कर रहे थे और उसी में जो है वो पकड़ के फिर बाहर खींच के मारने लगे। सब लोग मिलके 10-12 लोग थे, लाठी डंडे हॉकी बेल्ट से। किसी चीज़ की दुकान थी क्या आपकी? कॉस्मेटिक। कहाँ पे है? बाटा गली वर्मा मार्केट। और कौन चोटिल हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हमारे स्टाफ हैं रामजीत। कैसे क्या हुआ था रामजीत? सर, हम बाहर बैठे थे, अचानक ये लोग आए, कम 10-12 लोग। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।